क्या कहलाता है में रोज नया ड्रामा देखने को मिलता है। इस सीरियल में अभीरा अरमान और पोद्दार हाउस को छोड़कर चली जाती है, लेकिन वह माधव और विद्या के रिश्ते को बचाने के लिए एक बार फिर से पोद्दार हाउस लौट आई है। अरमान और दादी सा अभीरा को गाजे बाजे के साथ पोद्दार हाउस लाते हैं और ये चीज देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अपकमिंग एपिसोड में रूही अरमान से अभीरा के वापस आने की वजह पूछती है। इतना ही नहीं, वह अरमान के सामने अभीरा को लालची का टैग भी दे देती है। इस मौके पर अरमान रूही की बातों में आ जाता है और अभीरा को वापस आने की वजह के बारे में सोचने लगता है। तो आइए आपको शो के आगे कहानी बताते हैं। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा पोद्दार हाउस आने के बाद माधव से मिलती है और फिर वह अपने कमरे में आ जाती है। यहाँ पर उसके पीछे पीछे रूही भी आ जाती है और उससे वापस आने की वजह पूछती है। रूही का एटीट्यूड देखकर अभीरा हैरान रह जाती है और फिर दोनों के बीच जमकर बहस होती है। अभीरा रूही के सामने खुद को अरमान की पत्नी बताती है और फिर रूही अरमान का सारा सामान लेकर कमरे में चली जाती है। हालांकि रूही से अरमान का एक कपड़ा रह जाता है जिसे अभीरा अरमान के कमरे में देने जाती है। इस मौके पर दोनों के बीच बहस हो जाती है और दोनों एक कमरे में बंद हो जाते हैं। शो में आगे देखने को मिलेगा कि अरमान बार बार अभीरा से वापस आने की वजह पूछता है और तब अभीरा उसे बताती है कि वह विद्या और माधव यानी माँ पापा के एक करने की वजह से आई है। ये सुनकर अरमान भड़क जाता है और उसे घर से निकालने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ कावेरी पोद्दार घर के सभी लोगों के साथ बाहर हॉल में होती है और वहाँ पर विद्या अपने नए रूप में आती है। विद्या माधव के नाम के सुहाग की सभी निशानी हटा देती है और बोलती है। कावेरी उसे समझने की कोशिश करती है, तभी अंदर से अरमान द्वारा अभीरा को चिल्लाने की आवाज आती है। अभीरा को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इस दौरान अरमान उसका ध्यान रखता है।